जब आप इस तरह से उतरते हैं कि दोनों टीम्स गलती नहीं कर सकती है, उसका एक अलग प्रेशर होता है, और प्रेशर ही है जो कि बताएगा कि विनर्स जो है और लूजर्स में जो एक चीज फर्क डालेगी वो होगा टेम्परमेंट। ऑस्ट्रेलिया वाली अगर अप्रोच हो जाए कि ऑन द डे फिर आप हार ना माने, और इनमें इतनी एलियत है कि ये माइंड सेट है इनका कि ये हार नहीं मानेंगे, तो ये बहुत बड़ी टीम बन सकती है। जब जज्बा होता है ना तो फिर आप आधी आपकी जो टीम है ना वो पूरी बन जाती है, और फिर आप घबराते भी नहीं है, आप सिर्फ जीत की तरफ आपकी सोच लग जाती है। फाइनल में इनका भारत से मुकाबला होता है तो फिर तो ये लगे जाएंगे। अफगानिस्तान टीम बनती है अफगानिस्तान टीम जब इसमें पैशन का तड़का लगता है, जब नेवर से डाई की स्पिरिट से खेलते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे 10th क्लास के बच्चे एक्साइटेड हों और सारे मिल के मैच जीतना चाहते हों। सो पर्सनैलिटीज तो बड़ी बड़ी हैं, स्टार्स भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लीग्स में इनके बहुत नाम है, मगर ये जो वर्ल्ड कप खेले हैं इसमें सब जो है वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन की स्पिरिट से खेले हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। एक जज्बे के साथ खेले, और जब जज्बा होता है ना तो फिर आप आधी आपकी जो टीम है ना वो पूरी बन जाती है, और फिर आप घबराते भी नहीं है, आप सिर्फ जीत की तरफ आपकी सोच लग जाती है। तो पहले तो ये अप्रोच और ये जो एटीट्यूड है ना इसको सराहना होगा, और फिर इंडिविजुअल टैलेंट है, ऑलराउंडर मिला इनको, फिर उसके बाद सेंचुरी भी पहली दफा स्कोर की गई वर्ल्ड कप में इनके बल्लेबाज की तरफ से, कप्तानी बहुत अच्छी हुई, स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छी है। देखे ना नूर 18 साल का बच्चा है, वो आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, और इस ग्रुप में रह के वो और अच्छा निखर के सामने आएगा, क्योंकि ये ट्रिक ऑफ द ट्रेड समझाएंगे उनको नबी और राशिद वगैरह। मुजीब थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, मैं समझता हूँ मुजीब को और थोड़ा टाइटन अप होना है, बट एक बॉलर तेज मिल जाए इनको, एटीट्यूड और बेहतर हो जाए। देखे ना ऑस्ट्रेलिया वाली अगर अप्रोच हो जाए कि ऑन द डे फिर आप हार ना माने, और इनमें इतनी एलियत है कि ये माइंडसेट है इनका कि ये हार नहीं मानेंगे, तो ये बहुत बड़ी टीम बन सकते हैं। पोटेंशियल बहुत बड़ी टीम बनने का है, प्रोवाइडेड के इनको मैचेस मिले और इंटरनेशनल एक्सपोजर और मिलता रहे इनको एज अ टीम, नॉट लीग्स में बट एज अ टीम। बिल्कुल ठीक। अच्छा रवीर भाई, साउथ अफ्रीका की भी थोड़ी अगर बात करें तो शुरू में जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो एक सबसे स्ट्रॉन्ग और ऐसी टीम नज़र आई, अगर वो पहले बैटिंग करती है तो वन साइडेड अफेयर कर देती है। एक ही चीज़ उनकी मिस्टेक थी या लूप होल कहना चाहिए, वो चेजिंग था। ओबियसली कल उन्होंने एक बड़ा शानदार मैच जीता, चेज करके जीता, और ख़ास तौर पर वैंडर डुसन की बात करें तो मैन ऑफ द मैच रहे, और बड़ा अनलाइकली किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी कि उन्होंने विकेट पर स्टे भी किया, रन भी बनाए और पार्टनरशिप बिल्ड की। एक तो उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, और ये जो सेमीफाइनल में अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जाना है ये कितना हेल्पफुल होगा इनके फर्दर सेमीफाइनल के लिए? देखिए सेमीफाइनल में जो है ना वो 50-50 मुकाबला हो जाता है, सो आप ये नहीं सोचते हैं कि क्या होगा, हम रन चेस करें, हालांकि रन चेस इनका वीक लिंक है ऐसा होता है अफ्रीका का, बट क्योंकि नॉकआउट है तो नॉकआउट में आपका टेम्परमेंट टेस्ट होगा और दोनों टीम्स का टेम्परमेंट टेस्ट होगा। तो जब आप इस तरह से उतरते हैं कि दोनों टीम्स गलती नहीं कर सकती, उसका एक अलग प्रेशर होता है, और प्रेशर ही है जो कि बताएगा कि विनर्स जो है और लूजर्स में जो एक चीज फर्क डालेगी वो होगा टेम्परमेंट, क्योंकि उस वक्त ना कोई टीम बड़ी हो सकती है स्किल वाइज, ना कोई टीम छोटी हो सकती है स्किल वाइज, ये आपका टिकर जो है और आपका जो एक टेम्परमेंट है वो डिफाइन करेगा आपकी परफॉर्मेंस को। सो फेंडेडूसन जो है, रसी फेंडेडूसन बहुत अच्छे प्लेयर बन गए, पहले इनको स्पिन का कोई आइडिया नहीं होता था, अभी भी लगता है कि क्लासन को स्पिन का आइडिया इतना नहीं है, मिलर को स्पिन का इतना आइडिया नहीं है, इसीलिए ये रन चेज में स्पिन के हाथों ये थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं। मगर रस्सी जो है वो उनमें मैसिव इम्प्रूवमेंट है, माक्रम में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि ये इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर होंगे सेमीफाइनल में, और अगर फाइनल में जाके खेलते हैं, क्योंकि ये बड़ी शॉट्स भी खेलते हैं, टेम्परमेंटली स्ट्रांग है, सिंगल्स भी निकालते हैं और फिर मैच को आखिर तक लेके जाते हैं, ये विनिंग हैंड खेलते हैं, तो इस लिहाज से भी ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए। बिल्कुल शर्मी भाई, आज दो मैचेस खेले जाएंगे, पहला मैच अभी जारी है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, पुणे में खेला जाएगा। ऑब्वियसली बांग्लादेश के लिए यही प्राइड होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए, अगर आज का मैच जीते हैं तो वो जो है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप का एम हासिल कर सकते हैं, और सेकेंडली उनके पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर सकें। और ऑस्ट्रेलिया ने खासतौर पर जिस तरह कहना चाहिए कि एक जॉ से विक्ट्री निकाली थी अफगानिस्तान से आपकी नज़र में, बट उनकी बैटिंग बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्म कर रही है ऑस्ट्रेलिया की, वो जो रिदम हमें दिखता था पहले वो उस तरह हमें नज़र नहीं आ रहा है इस वर्ल्ड कप में,
कैसे देखते हैं आज के मुकाबले को? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की आपने सही निशानदेही कही है, इसलिए कि ये ऐसी फ्रीक इनिंग्स बार बार नहीं खेली जाएगी जो मैक्सवेल ने खेली है, सो सबको कॉन्ट्रीब्यूट करना है और बहुत क्लियर आपको एक फॉल्ट लाइन दिखी है जो कि बैटिंग अगेंस्ट स्पिन है, तो अगर फाइनल में इनका भारत से मुकाबला होता है तो फिर तो ये लगे जाएंगे, ये खड़े नहीं होंगे। अहमदाबाद में फाइनल है और वहां पे गेंद जो है वो स्लो भी होता है, स्पिन भी होता है, तो इनको तो एकदम से अपनी गेम को उठाना है और बल्लेबाजों को उठाना है, जो अंदर जाए उनको लंबा स्कोर करना है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कई दफा अननेसेसरी शॉट्स खेल जाते हैं, चाहे वो मिच मार्श हो चाहे वॉर्नर, मुझे नहीं पता कि स्मिथ जो है वो कितने फिट हैं क्योंकि उनको वर्टिको हो गया था, बट ये जो लबुशेन है, स्मिथ है, ये दोनों जो है ना ये काबू में किए जा सकते हैं, ये ऐसे नहीं आपको थ्रेटन करेंगे चौके छक्कों के साथ। सो ऑस्ट्रेलिया के मसले मसाइल तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट वही बात है, ये भी स्पिरिट और ये नेवर से डाई एटीट्यूड से फिर मैच जीत जाते हैं, मगर ये आसान मुकाबले इनके नहीं होने वाले हैं। ये साउथ अफ्रीका भी इनको तंग कर सकती है और अगर ये साउथ अफ्रीका से जीत गए तो भारत तो बहुत ही तंग करेगी।